हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे कि हमने लेक्चर 4 में देखा था, हमने एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में देखा था, ठीक है। तो आज क्या है, आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप साइकिल के बारे में, ठीक है। रेफ्रिजरेशन साइकिल जो 6 पार्ट में डिवाइड होती है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसका जो सबसे अच्छा जो साइकिल है जिसमें आपको अलग से कुछ कंपोनेंट्स लगाने पड़ेंगे, वो एक आपको होता है बूटस्ट्रैप और एक होता है आपका रीजनरेटिव साइकिल, ठीक है। तो आज जो है हम बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है उसके बारे में जाना था। उस साइकिल में हमने देखिए देखा था कि हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हमें एयर को रैम करना पड़ता है, फिर हमारे पास कंप्रेसर होता है, उसके बाद वो हीट एक्सचेंजर में जाती है, फिर वो टर्बाइन में जाती है, और फिर वो जहां पे जिस पार्ट को कूल करना है वहां पे वो एयर जाती है, ठीक है। अब इस साइकिल में हमारे पास क्या चीज अलग से है, तो बूटस्ट्रैप साइकिल में देखिए हमारे पास यहाँ पे हमें ये चीज दिखाई देगी। आपके पास ये एक एयर है रैम, ठीक है, एयर है जो यहां से एंटर होती है, ठीक है। एयर यहां से एंटर होती है, यहां से कहीं से एयर एंटर होती है, मैं पेन ले देता हूँ यहाँ पे, यहां से कहीं से एयर एंटर होती है, ठीक है, यहां से कहीं से एयर एंटर हुई। अब एयर को उसके जो हमें एयरक्राफ्ट है उसके अंदर तो प्रेशर पे लाना है, उसके लिए हम उस एयर को रैम करते हैं। ये एटमोस्फेरिक एयर है यहाँ पे, ठीक है। यहां से एयर को रैम करते हैं तो क्या होता है, फिर ये यहां से कहां पे जाता है, फिर ये जाता है आपका मेन कंप्रेसर में, ठीक है। मेन कंप्रेसर से जाता हो फिर ये कहां पे जाता है, ऑक्सिलरी कंप्रेसर में। देखिए जो आपका नॉर्मल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल था, नॉर्मल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, उसमें आपका एक कंप्रेसर, एक हीट एक्सचेंजर और एक टर्बाइन यूज होता था। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हमने एक एक्स्ट्रा कंप्रेसर यूज किया है, ठीक है। यानी कि यहां पे आपके पास दो कंप्रेसर हो गए, ठीक है। दो कंप्रेसर कौन कौन से हो गए, एक आपका यहां पे मेन कंप्रेसर है, ठीक है, ये है आपका मेन कंप्रेसर, ये है आपका मेन कंप्रेसर, और यहां पे हमने यूज किया है ऑक्सिलरी कंप्रेसर, ठीक है। तो देखिए इसको यूज करने का क्या मोटो था हमारा, ठीक है। मोटो ये था कि आप जितना ज्यादा क्या कहते हैं एयर को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा एयर को कंप्रेस करेंगे उसकी हीट एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी उतना ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा वो हीट रिजेक्ट करेगा उससे ज्यादा वो कूल होगा, ठीक है। यानी कि आप उसको जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, तो हमें जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो उतना ज्यादा हमें मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप पे हमने क्या किया, यहाँ पे दो कंप्रेसर यूज किए, ठीक है। सबसे पहले एयर को हमने यहां से अंदर की तरफ लिया था एयरक्राफ्ट में, फिर यहां पे हमने उसे रैम किया, ठीक है। रैम पे करके हम उसे उसके जो एक्चुअल प्रेशर हमें चाहिए, ठीक है, जो प्रेशर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जो मतलब एयरक्राफ्ट है वहां पे जो जिस प्रेशर पे वो काम कर रहा है, उस प्रेशर पे उसे लेके जाते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें लानी है इसमें कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। इसमें कूलिंग इफेक्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस एयर को कंप्रेसर से चलाते हैं, ठीक है। इस एयर्स को कंप्रेसर से हमने अंतर की तरफ किया, तो इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ेगा, ठीक है। जब जैसे इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो घट गया, ठीक है। तो अब कूल होने के लिए हम इसको हीट एक्सचेंजर से गुजारते हैं, यहां पे कहीं पे भी फेज चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे ही हम इसको यहां से गुजारते हैं तो हीट एक्सचेंजर से ये अपनी हीट को बाहर की तरफ देता है, ठीक है। यानी कि अब ये कूल होता है तो, ठीक है, कूल हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही ये आधा कूल हुआ इसको फिर से हम कंप्रेसर में लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपके पास अब जो एयर है जिसका प्रेशर आपने थोड़ा सा जो ये देखिए यहां पे क्या था, प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, बस इसका टेम्परेचर रिड्यूस होता, हमने क्या किया इसके प्रेशर को फिर और ज्यादा बढ़ा दिया और यहाँ पे टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ। यानी कि अब जब ये इस टेम्परेचर पे इस वाली लाइन पे हीट को बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है, बाहर की तरफ निकालेगा तो क्या होगा, यहां पे इसकी कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है, जो ट्रांसफर रेट है वो बढ़ेगा, ठीक। और फिर यहां से ये केबिन प्रेशर, मतलब ये टरबाइन से गुजरता हुआ नीचे की तरफ आता है, ठीक है, जहां पे ये एक्सपेंड होता है इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है, और फिर यहां से ये केबिन की तरफ अंदर चला जाता है, ठीक है। तो केबिन में यहां पे ये अपनी हीट को क्या कहते हैं, जो अंदर की हीट उसको एब्जॉर्ब करता है और वहां पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप जो सिस्टम है वहां पे हमने एक एक्स्ट्रा कंप्रेसर का यूज किया है, वो कंप्रेसर हमारा ऑक्सिलरी कंप्रेसर कहलाता है, ठीक है। उस ऑक्सिलरी कंप्रेसर से हम क्या करते हैं, हम
एक्स्ट्रा वर्क इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क इनपुट क्यों दे रहे हैं, ताकि जो हमारा हीट एक्सचेंज है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसका प्रेशर और टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो जितना हायर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वहां पे कूलिंग रेट जो हमें मिलेगा वो और अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो कूलिंग रेट बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ाने के लिए, सीओपी बढ़ाने के लिए हम ये वाला काम करते हैं। इसका एक तरीका और हो सकता है, दूसरा तरीका वो बूटस्ट्रैप नहीं कहलाता है। दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, हम एक टर्बाइन और लगा लें यहाँ पे, ठीक है। या फिर एक तरीका और है कि हम यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर की जगह पे दो हीट एक्सचेंजर यूज करें साथ ही साथ, ठीक है। वो प्रोसेस आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, आज के लिए केवल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।